हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे, और अच्छे रहने भी चाहिए। तो आज मैं आप फाइनली मुझे आज टाइम मिल गया है हेम पुष्पा 2 वीडियो बनाने के लिए। काफी सारे कमेंट आ रहे थे, 200 कुछ कमेंट है, और जो मोस्टली कमेंट है ना वो सिमिलर है। तो अब सिमिलर एक ही कमेंट, आप लोग बेशक अलग अलग कमेंट करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो कमेंट बिल्कुल एक ही होता है। एक ही कमेंट बार बार होता है, लोग अलग अलग होते हैं सिर्फ, और एक ही चीज, एक ही कमेंट को रिप्लाई करना बार बार पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने कुछ लोगों से बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप लोग वॉच करिएगा। तो काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, तो रियली उसके लिए सॉरी कि काफी लेट हो गया इस वीडियो को मुझे बनाने में, शूट करने में। तो आज का जो लोग, मैं पहले बता देती हूँ, जो लोग मेरे हेम पुष्पा फर्स्ट वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वो फर्स्ट देख लीजिए, तभी ये समझ आएगा आप लोगों को। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें से सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिया है जिसका आंसर मैं दूंगी। तो सबसे पहले दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने हेम पुष्पा वीडियो को इतना प्यार दिया कि वो मेरा वीडियो वायरल गया है, और उसी में इतने सारे कमेंट हैं। तो उसी का मैं जस्ट जवाब दूंगी आज के वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ उसी कमेंट का जवाब है। और ये जवाब की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप लोगों ने देखा है उस वीडियो को। आई नो डेट कि आप लोगों ने फुल वॉच किया है, बस एक बात होती है ना कि संतुष्टि नहीं मिल पाती है ना, तो संतुष्टि करने के लिए कमेंट कर रहे थे आप लोग, बार बार एक ही कमेंट आ रहा था, तो मैं उसी कमेंट का जवाब दूंगी। और कमेंट का रिप्लाई कमेंट में ही मैंने एक दो लोगों को किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, मैंने किया है, बहुत लोगों को जवाब भी दिया है। जवाब तो मोस्टली मैंने सबको ही दिया है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कमेंट आ रहा था उन्हीं लोगों का, तो मैं आज इसके वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला अपना फोन लेके बैठी हुई हूँ, और जिनको बता दूं कि यही फोन है मेरा जो जब मैं फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, इसी फोन से शूट करके डाली थी। तो ये मेरा वही फोन है, मैं इसको इसी में कमेंट वगैरह का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेती हूँ, और इसमें फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, पता नहीं दिख नहीं रहा होगा कैमरा कैच, हाँ दिख गया आप लोगों को कितने लोगों ने व्यू किया है इसको, और कितना लाइक कितना डिसलाइक है देख लीजिए। ये देखिए, ये आ गए हम लोग कमेंट बॉक्स में, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना। तो पहला जो है क्वेश्चन मैं ले रही हूँ किरण, उनका जो उन्होंने पूछा है क्या प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में ले सकते हैं, और उसी का दूसरा मतलब सेम उन्हीं का कमेंट आया है कि हम प्रेगनेंसी में, फिर से कि प्रेगनेंसी में हम हेम पुष्पा को ले सकते हैं। तो नहीं डियर, नहीं ले सकते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी में नहीं लेना है हेम पुष्पा, चाहे आपका फर्स्ट वीक हो, चाहे लास्ट मतलब 9 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं आप, प्रेगनेंसी में हेम पुष्पा नहीं लेना है। ये चीज बिल्कुल क्लियर करिए, हेम पुष्पा प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। उसके बाद चलिए लेते हैं नूरे जी का, उनका कहना है मैम मेरा छोटा बेबी है, फीड करती है वो हेम पुष्पा टोन लेने से, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नुकसान तो नहीं होगी। देखिए मैंने उनको जवाब भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो और सेम ऐसे ही कमेंट आया है, 2-3 लोगों का आया है कि ना मेरा 6 मंथ का बेबी है, मेरा 3 मंथ का बेबी है, तो क्या मैं ले सकती हूँ हेम पुष्पा, उसको कुछ नुकसान तो नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप लोग बिल्कुल गौर से सुनिए बातें, बिल्कुल गौर से। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वर्ड मुझे पहले बोलना चाहिए था। जो लोग मुझे ब्लॉग में देखते हैं और अदर ब्यूटी टिप्स वगैरह में देखते हैं, तो शायद आप लोगों के लिए ये वीडियो आज का ना हो, शायद यूजफुल ना लगे, क्योंकि इसमें सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जिन्होंने हेम पुष्पा फर्स्ट देखा है और मुझे कमेंट किए हैं, जिनका क्वेश्चन है उनको मैं आंसर दे रही हूँ। तो ये वीडियो पर्सनली उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैंने उन लोगों का ही कमेंट का जवाब दे रही हूँ। सारे कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, फटाफट से दे दूंगी, सिमिलर ही क्वेश्चन है। मैंने एक दो कमेंट मतलब एक दो सब्सक्राइबर है उनके मैंने नेम ले लेके बोला है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को भी लग जाए कि हाँ है रियली में। अगर जिन लोगों को पूरा ही देखना है तो आप लोगों को मैंने बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है हेम पुष्पा का, वहां से आप जाके वॉच कर सकते हैं और कमेंट रीड कर सकते हैं।
तो वही मैं कह रही थी कि सबसे पहले ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका सी सेक्शन हुआ है, मतलब सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है वो 2-3 महीने बाद से ले सकते हैं। एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें लेने से पहले, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपके बॉडी में कुछ वो, एक्चुअली डॉक्टर आप लोगों को अच्छे से रिकमेंडेड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बोल दिया कि आप लोग ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता है ना कि आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है तो कैसे हुआ है। मतलब बहुत से लोगों का जो होता है बॉडी बिल्कुल अलग अलग होता है, उनका जो नॉर्मल डिलीवरी भी होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है उनके साथ, बहुत जो क्रिटिकल केस हो जाता है वो हो जाता है, तो मुझे नहीं पता है। तो इस कंडीशन में भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। और पर्सनली मैं उन लोगों को बता देती हूँ जिनका सिजेरियन हुआ है। अगर आप लोगों को सिजेरियन पे कुछ टिप्स चाहिए कि सी सेक्शन के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितने टाइम तक हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक पर्सनली वीडियो बना दूंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं वही टॉपिक डिस्कस करती हूँ जो मेरा खुद का पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मेरा भी सी सेक्शन हुआ है, सिजेरियन हुआ है, तो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने बताया नॉर्मल डिलीवरी में ही भी आपको डॉक्टर से पूछ के लेना है। और सिजेरियन वालों को 6 मंथ तक तो कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि 4-3 मंथ तक हमारा मेडिसिन ऑलरेडी चलता है, तो मेडिसिन तो हार्मफुल होता ही है, चाहे वो कैसा भी हो, मेडिसिन किसी भी कंडीशन में ले रहा बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो ऑलरेडी गर्म होता है। और फिर ये हेमपुष्पा है, ये भी एक तरीके का बेसिक ये हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी गर्म होता है। बॉडी में हमारा यही करता है, जो हमारी बॉडी का जो इंटायर होता है पूरी, उसको जितनी भी, जब हम हेमपुष्पा लेते हैं, ये बेसिक हर्बल प्रोडक्ट है, मैंने उसमें भी पहले बताया था आप लोगों को, हर किसी की बॉडी इसको भी नहीं, जैसे कि मैंने लेना स्टार्ट किया था 2 टाइम इस पे लिखा होता है, मेरे को 2 टाइम में हाथों में इचिंग होने लगी थी, जलन मचने लगी थी, तो इस वजह से मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, उन्होंने 1 टाइम बोला मेरे को लेने के लिए, तो मैं 1 टाइम ले, जब 1 टाइम स्टार्ट की तब कुछ भी नहीं हुआ, और बेबी भी मेरा फीड कर रहा था उस टाइम पे, अभी भी कर रहा है, तो किट्टू जब फीड कर रहा था तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप लोगों को चल गया होगा पता कि बेबी पे वैसे कोई हार्मफुल नहीं होता है, बेबी के लिए सेफ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप स्टार्ट कर रखी हो हेमपुष्पा और बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको स्टॉप करना है और डॉक्टर से जरूर कंसर्न करना है। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, यहाँ पे वीडियो को करती हूँ पोज। हाँ तो चलिए, इनका है ममता, ये देख सकते हैं, दिख गया होगा आप लोगों को। ममता का है क्वेश्चन, डॉक्टर से बिना पूछे हेमपुष्पा ले सकते हैं? तो डियर ले सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी मतलब किसी रीजन से आप कोई भी मेडिसिन नहीं चल रहा है, आप बिल्कुल फिट है, तो थोड़ा सा और फिट रखने के लिए आप हेमपुष्पा को ले सकते हैं, बिना डॉक्टर से भी पूछे ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हेमपुष्पा को स्टॉप करना है, डॉक्टर से मिलना है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते। हाँ तो है इनका जसवीर कौर का, दी आई एम न्यू सब्सक्राइबर, हाँ इस टोनर टॉनिक को लेने से बहुत फायदा हुआ है, मैंने 1 बॉटल कंप्लीट कर लिया है, फेस पे ग्लो आता है और भी बहुत फायदे होते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे बहुत फायदे होते हैं, जो फेस पे दाने वगैरह होते हैं ना, उसे मैंने डीपली उस वाले वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पता चल। हाँ तो उसके बाद है जन्नत का, दी मेरी एज 18 है, क्या मैं ले सकती हूँ? हाँ डियर, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये बिल्कुल 18 प्लस के लिए ही है, आप 18 साल के बाद ले सकते हैं, इसको पी सकते हैं। मेरा उसके बाद है AR का कमेंट, मेरा वेट थोड़ा ज्यादा बट पीरियड प्रॉब्लम भी है, सिर्फ 2 दिन ही आता है। हाँ तो काफी सारी, एक चीज यहाँ पे मैं और क्लियर कर देती हूँ कि इसमें भी क्वेश्चन आया है काफी सारे कि पीरियड में इसको ले सकते हैं, पीरियड में प्रॉब्लम है मेरे, तो क्या मैं इसको ले सकती हूँ? और है इसमें, मैं एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन को कर देती हूँ। वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या मैं ले सकती हूँ इसमें? और वेट के लिए भी, यस गाइस, तो यस आप लोग ले सकते हैं इसमें। जो मैंने बताया आप लोगों को, पीरियड में काफी रिलीफ मिलता है, जो आपका जैसे एक दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, पेट में कमर में दर्द रहता है, तो उसमें काफी ये रिलीफ मतलब फायदा करता है, ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसमें मैंने यूज किया है, तो पर्सनली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। उसके बाद है समीरा का, मैम मुझे वेट गेन करना है, थोड़ा मतलब बॉडी
मैं कुछ एक सेकेंड देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा बीच में मैं इसलिए अटक रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फोन का स्क्रीन है पूरा टूटा हुआ है। तो इनका यही क्वेश्चन है कि मैं डॉक्टर से बिना पूछे ले सकती हूँ, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वेट गेन करना है। तो यस, आप ले सकते हैं वेट गेन करने के लिए, वेट लॉस के लिए भी। ये काफी, ये एक तरीके की हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट रखता है। हाँ, एक है ये दिव्या भारती का कमेंट है, दीदी इसको क्या च्यवनप्रास, डावर च्यवनप्रास के साथ ले सकते हैं? नहीं डियर, नहीं ले सकते हैं, इसको इंडिविजुअल ही लेना है, डावर च्यवनप्रास के साथ नहीं लेना है। अगर आप एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए, अगर आप डावर च्यवनप्रास खा रहे, कोई भी ऐसे हर्बल चीज खा रहे हैं जो कि बॉडी में हीट करता है, गर्म करता है, तो उसको साथ ही हेमपुष्पा को नहीं लेना है, इंडिविजुअल ही लेना है। वो ले रहे हैं तो फिर इसको स्टॉप करिए, इसको ले रहे हैं तो उसको स्टॉप करिए, ठीक है। तो गाइस मैं एक ही बार दो तीन कमेंट रीड कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ, वीडियो को यहीं पे पोज करती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाए। उसके बाद है इनका क्वेश्चन कि मुझे डिलीवरी के बाद पीरियड नहीं आ रहा है तो क्या मैं इसको ले सकती हूँ? तो गाइस डियर, आप रुक जाइए कुछ टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डिलीवरी के बाद एक साल डेढ़ साल तक किसी किसी को पीरियड नहीं आता है। तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मिलके पूछ के तभी ले, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा भी होता है ना, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से फिर आपकी बॉडी को जांच करेंगे, बताएंगे कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस कंडीशन में और आप डॉक्टर्स की सलाह से ही ले, पीसीडीओ में ले सकते हैं क्या इसको? तो डियर प्लीज, मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया है कि कोई भी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, कुछ भी है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। डियर सपना का है ये कमेंट, डियर मुझे प्रॉब्लम है, दो दो महीने लेट आता है तो क्या मैं इसको ले सकती हूँ? हाँ तो आप ले सकते हैं, हेमपुष्पा ले सकते हैं, हेमपुष्पा भी लीजिए, प्लस में आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसर्न जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर से बिना पूछे फिर। और ये राजेश यादव है जिन्होंने शायद अपनी वाइफ के लिए पूछा होगा कि पीरियड जो है उनका समय से पहले आता है तो क्या हम इसको ले सकते हैं हेमपुष्पा को? तो यस डियर, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये जो साइक्लिंग है इसको बिल्कुल इनबैलेंस है तो उसको बैलेंस बना के रखता है। तो सॉरी जिनका मैंने कमेंट रीड नहीं किया है, जिनका नाम नहीं लिया है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, जिनका नाम मैंने नहीं लिया है उनका भी मैंने जवाब दे दिया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया था तो उनका भी मैंने जवाब दे दिया है। तो अगर आप लोगों को फिर भी कुछ जानना है, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो, मुझसे मिस हो गया हो, तो प्लीज आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है समर्थ बेबी ब्लॉग गुप्ता के नाम से, सेम चैनल के नेम से ही है, तो आप मुझे वहां पे भी पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको डीपली जवाब दे दूंगी। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए आज का वीडियो यूजफुल रहा या नहीं रहा। तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बाय बाय। और हाँ, लास्ट में मैं एक चीज बताना भूल गई थी, इसीलिए मैं दोबारा से मतलब शूट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को हेमपुष्पा लेने से कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको वहीं पे स्टॉप करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। ये चीज मैं दोबारा आप लोगों को बोल रही हूँ, तो प्लीज आप लोग इस चीज को नोटिस करें, क्योंकि एक कमेंट और आया था, मैंने फोन रख दिया है उसमें, अभी भी जस्ट मैंने देखा है, तो उसमें ये था कि मैम मैंने मुझे लिए हुए दो तीन दिन हो गए हेमपुष्पा, मैं ले रही हूँ, मेरे सर में बॉडी में खुजली होती है, बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है। तो डियर आपको वो हेमपुष्पा सूट नहीं कर रहा है, और सूट क्यों नहीं कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसर्न करें, फिर ले उसको हेमपुष्पा को। तो यही चीज थी बताना लास्ट में, इसलिए मैं लास्ट में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो गाइज प्लीज, अगर आप लोगों को कुछ भी होता है तो डॉक्टर से एक बार कंसर्न जरूर करें, उसके बाद ही आप हेमपुष्पा ले। तो चलिए बाय।